हरियाणा के रेवाड़ी में अनशन पर बैठी स्कूली बच्चियों ने जी न्यूज से बात की है। बच्चियों ने कहा है कि जब तक स्कूल को 12वीं तक नहीं किया जाता उनका ये अनशन जारी रहेगा। लड़कियों ने यह भी कहा है लिखित आश्वासन के बगैर वो अनशन खत्म नहीं करेंगी। रेवाड़ी का ये गोठरा टप्पा ढहीना गांव है, 8 दिन से ये बच्चियां भूख हड़ताल पर हैं। बच्चियों की मांग मानने का भरोसा सरकार की तरफ से दिया गया है, लेकिन इन लड़कियों का कहना है कि लिखित आश्वासन के बगैर इस बार कुछ नहीं होने वाला, वो टस से मस नहीं होंगी। सीधा हम रुख कर लेते हैं रेवाड़ी के इसी गांव में। मेरी सहयोगी पूजा मक्कड़ इन बच्चियों के साथ ही मौजूद हैं। पूजा, आप लगातार तस्वीरें भी दिखा रही हैं और इन बच्चियों की तबीयत बिगड़ रही है, हम देख भी सकते हैं। स्कूल पर ताला लटका हुआ है, ये बच्चियां इस बार कह रही हैं कि इस बार सरकार सीधे सीधे लिखित आश्वासन दे दे। बिल्कुल पूर्णिमा, आप ये तस्वीर देख रही हैं, ये स्कूल के ठीक बाहर की तस्वीर है जो इस वक्त हॉस्पिटल में तब्दील हुई आपको नजर आ रही है। कहीं बच्चियां बीमार हैं, लेटी हुई हैं और उनको किसी तरह से यहां पर रखकर मेंटेन किया जा रहा है और कहीं पर बच्चियों को ग्लूकोज चढ़ाकर मेंटेन किया जा रहा है। लेकिन जो कहते हैं प्राण जाए पर वचन न जाए, इस बार जो 13 बच्चियां भूख हड़ताल पर बैठी हैं उन्होंने तय कर लिया है कि जब तक सरकार कोरे वादों से आगे बढ़कर कोई लिखित आश्वासन नहीं देगी तब तक चाहे हालत कितनी ही खराब हो जाए वो यहाँ से नहीं हिलेंगी। और अब आप देख सकती हैं धीरे धीरे पूरा गाँव यहाँ पर जुड़ चुका है। पीछे घूंघट में भी आंदोलन चल रहा है, बच्चियों की माएँ, गाँव के लोग, बड़े बुजुर्ग सब इस मुहिम में शामिल हो चुके हैं और स्कूल के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। हमारे साथ यहां स्कूल की बहुत सारी बच्चियां मौजूद हैं, उनका कहना है कि अब यह आंदोलन तब तक नहीं थमेगा जब तक हमें कोई हल नहीं मिल जाता। ये बताओ कि कितनी मुश्किल है उस स्कूल तक जाना जो 3 किलोमीटर दूर है और कितना जरूरी है तुम्हारे लिए यहाँ पर स्कूल बनना? हमारे लिए यहाँ पर स्कूल बनना बहुत जरूरी है क्योंकि जब हम वहाँ 3 किलोमीटर दूर जाते हैं तो हमें बहुत ऐसी असामाजिक तत्व या कुछ ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है जिसे हम किसी दूसरे को के सामने बयां भी नहीं कर सकते। इसलिए हमें बस यही चाहिए कि हमारा स्कूल अपग्रेड हो जाए। अगर ये स्कूल अपग्रेड तब तक सरकारी से अपग्रेड नहीं करेगी तब तक हमारी ये जो हमारी बहन बैठी है या हम बैठे हैं हम यहाँ से नहीं हिलने वाले। चाहे हमारी जान चली जाए लेकिन हम यहाँ से नहीं जाएंगे। बिल्कुल पूर्णिमा, आप ये हरियाणा की तस्वीर देखिए, ये जो इनके साथ माएँ हैं, जो बुजुर्ग हैं, शायद खुद पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन ये तस्वीर बदलना चाहते हैं और इसीलिए यूनिफॉर्म में बैठी इन बच्चियों को 11वीं 12वीं और आगे का स्कूल देना चाहते हैं। और इसीलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर सब तरफ तस्वीरें स्कूल की नहीं हॉस्पिटल की हैं, लेकिन बच्चियां जो हैं अपने आंदोलन से डिगने को तैयार नहीं हैं, उनकी माएँ उनकी मदद कर रही हैं। आप लगातार इनकी सेवा में लगी हैं और आपने खुद कितनी पढ़ाई की है और कोशिश कर रही हैं अपनी बच्चियों के लिए? हम तो अनपढ़ है लेकिन हमारी बच्ची तो पढ़ी लिखी होनी चाहिए क्योंकि जो भी जॉब मिलता है वो +2 पास मांगते हैं। सरपंच बनता है तो +2 पास मांगते हैं, जो इलेक्शन में जो भी खड़ा होता हो तो +2 पास मांगते हैं, जहाँ भी बस गाड़ियों में जाते हैं तो इंग्लिश में लिखा होता है। जब ये अनपढ़ होंगी तो कहाँ से पढ़ेंगी और कहाँ जाएगी, ये बताओ आप। और सिर्फ बच्चियों की हालत लगातार खराब होती जा रही है, आप लोगों को डर भी होगा इनकी सेहत का। हाँ, कितनी लड़कियों बेहोश पड़ी है, कितनी अस्पतालों में जा रही है, किसी के ग्लूकोज लग रही है, आपको ये 8 दिन हो गया इनकी कोई सुनाई नहीं, कहाँ सो रहा है सरकार। देखिए पूर्णिमा, यहाँ पीछे का मैं एक बार फिर से ये बैनर आपको दिखाना चाहूंगी जो धुंधला पड़ चुका है, 10 मई से लगा हुआ ये बैनर, ये कह रहा है कि ये बच्चियां तब तक अन्न का दाना ग्रहण नहीं करेंगी जब तक इनकी सुनवाई नहीं हो जाती। लेकिन इस बैनर पर धुंधले पड़े हुए शब्द जो जी न्यूज के जरिए लोगों तक पहुंच रहे हैं, देश तक पहुंच रहे हैं, शायद सरकार तक नहीं पहुंच रहे। पहले भी रेवाड़ी का ही गांव था है तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लोग बढ़ रहे हैं और आप उस वक्त वहां उसी रेवाड़ी गांव में पहुंची थी। एक लंबी मुहिम पूजा चलानी पड़ी थी और उसके बाद वो तस्वीर हमने स्कूल की बदलती हुई देखी। 2 गांव की बच्चियां, 150 से ज्यादा बच्चियां एक बार तब भी हड़ताल पर बैठी थी और उनकी भी सिर्फ यही मांग थी कि 8वीं तक के स्कूल को 12वीं तक का कर दिया जाए। और अब आप यहाँ की तस्वीर देखिए, कोई खास फर्क नहीं है, वही जाने पहचाने चेहरे, वही माताएं, वही बच्चियां, वही जिद। और जिद भी क्या है कि हमें पढ़ने दिया जाए, हमें स्कूल दिया जाए, हमें 11वीं और 12वीं की क्लास ऐसे माहौल में दी जाए जहां पढ़ाई हो सके। लेकिन इस वक्त आप देखिए यहाँ भी ताला लगा है, यहाँ भी आंदोलन जारी है और एक बार फिर से सरकार की वही जिद की देखेंगे करेंगे वाले आश्वासन यहाँ पर आपको जरूर नजर आ रहे हैं। आपकी बच्ची जो इस वक्त आपकी गोद में है इतने खराब हालात में है लेकिन जिद अभी भी बनी हुई है। हाँ जी, बनी हुई है मैम, जब तक नहीं उठेंगे, जब तक शिक्षा मंत्री आकर लिखित में नहीं दे,
जब तक शिक्षा मंत्री आके लिखित में नहीं दे देते हैं तब तक पूर्णिमा इनका कहना है कि ये तस्वीर एक बार फिर रेवाड़ी के जरिए पूरे देश में पहुंचेगी और ये दिखाएगी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आज की तारीख में इस गांव के लिए सिर्फ एक नारा है। अब इन बच्चियों से जरा ये पूछिए कि 8 दिन का ये वक्त है, ये कह चुकी हैं कि लिखित आश्वासन चाहिए। इससे पहले भी हमने एक पिता को सुना, वो ये कह रहे थे कि वो लड़के ऐसे फप्तियां कसते हैं कि हमारे लिए कैमरे पर इस बात को कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है एक पिता होने के नाते। और इससे पहले भी जब रेवाड़ी में हमने रिपोर्टिंग की थी वहां पर भी बच्चियों की कुछ ऐसी ही हालत थी। इन 8 दिनों में कितने लोग इन बच्चियों के साथ इस सम्मान की जंग में इनके साथ जुड़े या उनका समर्थन इन बच्चियों को मिला? बिल्कुल पूर्णिमा, ये बच्चियां जो इस वक्त यहाँ पर बैठी हैं इनके लिए बहुत मुश्किल सिचुएशन है क्योंकि अगर ये बातें अपने माता पिता को बताती हैं, घर वालों को बताती हैं तो बहुत मुमकिन है इनसे ये कहा जाए कि स्कूल पढ़ने ना जाओ घर बैठ जाओ, लेकिन इन्हें पढ़ना है और अब हार कर इन्होंने आंदोलन के रास्ते को पकड़ा है। कितनी मुश्किल आप लोगों को हुई है, 8 दिन से ज़्यादा से आप लोग हड़ताल पर हैं और कितने लोग जुड़े हैं इस मुहिम में? मैम 85 लड़कियाँ जुड़ी हुई हैं और 20 से अबाव भूगर्दार में बैठी हुई हैं। 20 से ज्यादा बैठी हैं। कितना मुश्किल होता है आप लोगों के लिए जो छेड़छाड़ होती है उसको घर में आके बताना या शिकायत करना, आसान होता है क्या? नो मैम। किस तरह की घटनाएं होती हैं? मैम अभी सारी घटना मीडिया के सामने थोड़ी बताई जा सकती हैं। अच्छा, उस रास्ते से गुजर के जाना अपने स्कूल तक पहुंचना कितना मुश्किल है आप लोगों के लिए? बहुत मुश्किल होता है। लड़के खड़े रहते हैं रास्ते में, किस तरह की हरकतें करते हैं? मैम हेलमेट पहने होते हैं, किसी के मतलब सामने नहीं आते, सिकल पहचान में नहीं आती उनकी, और लड़के के साथ छेड़छाड़ करते हैं, चुन्नी पकड़ खींच लेते हैं और कभी कभी तो टच भी कर देते हैं। घर वालों को बताना भी मुश्किल होता होगा? यस मैम, घर वालों को बताते हैं तो वो कहते हैं कि स्कूल छोड़ के घर बैठ जाओ। मैम हम भी पढ़ना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ बनना चाहती हो? यस मैम। पूर्णिमा, हरियाणा की इस बेटी का जो चेहरा है वो सरकार को एक सबक दे रहा है कि बेटियों को पढ़ाना है आगे बढ़ाना है तो उसके लिए माहौल भी बनाना है। यहाँ पीछे जो स्कूल है उसमें ताला लगा हुआ है, यहाँ जो महिलाएं हैं वो अपना घर बार छोड़कर इनके साथ अनशन पर बैठी हैं और सिर्फ एक मांग कर रही हैं कि 2 क्लास आगे बढ़ा दीजिए स्कूल को ताकि बच्चियां जो हैं 12वीं कक्षा तक पढ़ पाएं। लेकिन फिलहाल के हालात सिर्फ और सिर्फ भूख हड़ताल के हैं, स्कूल बंद है, पढ़ाई बंद है, कॉपी किताबें सब घर पर धरी हैं और इंतजार किया जा रहा है कि सरकार का कोई नुमाइंदा आएगा और लिखित में इन्हें यह भरोसा देगा कि हाँ आज नहीं तो कल ये स्कूल 12वीं तक कर दिया जाएगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये तस्वीर एक बार फिर से पिछले साल के रेवाड़ी की ही याद दिला रही है जहाँ इसी तरह का अनशन था, इसी तरह का माहौल था और इसी तरह से बच्चियाँ मजबूर हो गई थी। जब तक जी न्यूज़ का कैमरा वहाँ नहीं पहुँचा दिन भर की इस तरह की मुहिम नहीं चली और यही तस्वीर कमोबेश थी जो हमने लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखाई थी और तब जाके उस स्कूल को 8वीं से 12वीं तक किया जा रहा था। यह बहुत अनफॉर्चुनेट तस्वीर है पूर्णिमा कि एक बार फिर हमें वही तस्वीर लेकर हरियाणा के उसी जिले से सरकार की आंखें खोलने का काम करना पड़ रहा है। बिल्कुल पूजा, लेकिन आप इन बच्चियों को, इन माता पिता को यह भी बताइए कि जी न्यूज के जरिए पूरा देश इन बच्चियों के साथ है, इन माता पिता के साथ है, इस मुहिम में इन लोगों के साथ है और सरकार तक वो सीधे बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। लोग सोशल मीडिया पर पूजा ये भी लिख रहे हैं कि बहुत शर्म की बात है कि सम्मान की जंग के लिए इन बच्चियों को अनशन करना पड़ रहा है और अगर ऐसा है तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आखिर महत्व क्या है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रेवाड़ी के गांव की तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, मेरी सहयोगी पूजा मक्कड़ वहां पर मौजूद हैं बच्चियों के बीच में। सीधा मुनि का रुख कर लेते हैं। पूजा, ये कितनी बड़ी विडंबना है जब कहीं पर नेताओं का अनशन होता है तो भीड़ इकट्ठा हो जाती है लेकिन यहाँ पर बच्चियों को पढ़ाई के लिए अपने सम्मान के लिए अनशन करना पड़ रहा है और हर जगह सिर्फ खामोशी है। बिल्कुल पूर्णिमा, आप यहाँ की तस्वीर देखिए, गांव वाले हैं, बच्चियां हैं और उनसे जुड़े हुए बुजुर्ग हैं लेकिन कोई नेता कोई मंत्री जन तक की आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं उनमें से अब तक ना यहाँ कोई आया है ना कोई बात करने आया है। आप चिट्ठी और ऑर्डर की बात तो छोड़िए, इन बच्चियों से मिलने तक कोई नहीं आया। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी खराब है कि बच्चियों ने स्कूल छोड़ दिया लेकिन उस समस्या को एड्रेस करने कोई नहीं आया। निकिता मेरे साथ हैं, 10वीं की अभी इन्होंने परीक्षा दी है और अब उस रास्ते से होकर 11वीं पढ़ने के लिए जाना नहीं चाहती हैं। निकिता, ये बताइए आगे पढ़ने के रास्ते में कितनी मुश्किलें हैं आपके लिए? मैम हमारे साथ बहुत ही मुश्किलें आती हैं, इस वजह से हम चाहते हैं कि हम आगे नहीं पढ़ने जाएंगे बाहर। कमाली में तो हमारे साथ हर तरह का भेदभाव होता है, कमाली स्कूल में भी जब कोई भी बात आती है तो बोल देते हैं अरे ये तो कोटड़ा के बच्चे हैं, ये कमाली के बच्चे हमारे हैं। और जब लड़के भी हमें बहुत ही परेशान करते हैं रास्ते में, कई लड़के तो हमारी चुन्नी भी फेंक देते हैं उतार के, बताओ अब कैसा चलता रहेगा ऐसे। जब हम किसी को बताते हैं वो बोलते हैं कि इस बात को यही दबा दिया जाए, क्यों उठाते हैं आखिर, फिर हमारी इज्जत उजड़े
करेगी, हमारी लड़की की शादी कोई नहीं करेगा, सिर्फ हर यही बात बोलती है। बिल्कुल पूर्णिमा, आप सोचिए कितनी मुश्किल सिचुएशन है एक लड़की के लिए जिसके साथ इस तरह का बर्ताव रास्ते में होता हो, वो घर बताए तो मुश्किल है, स्कूल छोड़ने का खतरा है, और अगर पढ़ने ना जाए तो आगे कैसे बढ़ेगी। आप ये तस्वीर देखिए, इस बच्ची की हालत इतनी खराब है, इनकी माँ इनके साथ इनके लिए बैठी हुई है, लेकिन क्या ये तस्वीर भी लोगों को नहीं जगा पा रही है, प्रशासन को नहीं जगा पा रही है? इतने दिन हो गए हैं तुम्हें भूख हड़ताल पे, अभी भी जिद अपनी बनी हुई है तुम्हारी? हमें 8 दिन हो गए हैं यहाँ पे। 8 दिन हो गए हैं बिना कुछ खाए पिए तुम अब तक अनशन पे हो, और सरकार मानने को तैयार नहीं है, अभी भी क्या मांग करना चाहती है? हमारी मांग यही है, यहाँ पर लगता तक स्कूल होना चाहिए। लड़कियों से बैठा भी नहीं जा रहा, भूखे मारे चक्कर आ रहे हैं, और कई तो अस्पताल में गई और कई यहाँ पर रह जी, परेशान है जी, नहीं जाने जाती जी। जब तक यहाँ पे प्लस टू स्कूल नहीं होगा, हम माँ बाप भी यहीं पर धरने पर रहेंगे। सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, किसी के स्कूल में नहीं इतने बच्चे हमारे स्कूल में। बिल्कुल पूर्णिमा, मैं आपको चलते चलते यहाँ की तस्वीर एक बार फिर दिखा दूँ। बीएसएफ छोड़कर आए तेज बहादुर सिंह यहाँ पर इनके साथ धरने पर बैठे हुए हैं, गाँव के सरपंच धरने पर बैठे हुए हैं, माता पिता लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन नेता मंत्री चाहे कोई पार्टी रही हो, सरकार में हो या विपक्ष में हो, इनकी बात सुनने के लिए कोई नहीं आई है। तेज बहादुर जी, आप लगातार इनके साथ बैठे हैं, आपने भी इनके साथ समर्थन दिया, क्या लगता है अब तक सरकार के कान पे कोई जू नहीं रेंग रही है? नहीं जी, जिस दिन से मैं आया हूँ मैं देखा यहाँ पर कोई सरकारी अधिकारी कोई आया नहीं है। बड़ी समस्या की बात है, बच्चियों की हालात दिन प्रतिदिन खराब हो रही है, और कह रहे हैं आश्वासन शायद हमने तो पेपर में पढ़ा है, लेकिन ऑन ग्राउंड अभी तक किसी अधिकारी ने ना ही ये बताया है कि स्कूल अपग्रेड कर रहे हैं या कर देंगे, ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया। बिल्कुल, ये तस्वीर कब तक बदलेगी इसका इंतजार जी न्यूज भी कर रहा है, और ये तस्वीर अब स्कूल में बदलनी चाहिए, इसका वक्त आ चुका है। पूर्णिमा, बिल्कुल पूजा, इंतजार इसी बात का है कि वो लिखित आश्वासन इन बच्चियों तक पहुंचे। 8 दिन से चल रहा है इनका अनशन, जल्दी ही खत्म हो। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा, ये तस्वीरें तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जी न्यूज पर खबरें आ गई।